सीधे आपको लिए चलते हैं हिंडन एयरबेस, जहां पर आज भारत अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखा रहा है अपनी ताकत और दिखा रहा है कि किस तरह भारत किसी भी मामले में पीछे नहीं है। भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर आज ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी शुरू हुआ। 26 सितंबर तक ये कार्यक्रम दरअसल चलने वाला है। मेजबानी भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से कर रहे हैं। मनजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनजीत, हमारी ताकत ड्रोन शक्ति का दम हम दिखा रहे हैं। देखिए, करीब पूरे देश की जो 200 से ज्यादा ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं जो मेक इन इंडिया के जरिए अलग अलग तरह के ड्रोन बना रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है जहां पर वो अपनी ताकत ड्रोन की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर उस ड्रोन शक्ति की ताकत को देखेंगे। एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें पूरे देश के 200 से ज्यादा स्वदेशी अलग अलग तरह के ड्रोन बनाने वाले कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। और दूसरी बड़ी बात जो C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि इसी 18 तारीख को स्पेन से भारत पहुंचा था, उसका आधिकारिक तौर पर इंडक्शन है। रक्षा मंत्री इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। जैसा कि पिछले साल का समझौता हुआ था, उसके बाद 56 C-295 जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के लिए, वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा आज बन रहा है। 18 तारीख को बड़ौदा में लैंड होने के बाद हिंडन एयरबेस पर उसको लाया गया है। और ऐसे 56 खास तरह के जो आधुनिक C-295 ट्रांसपोर्ट विमान है वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे, जिसमें 16 विमान बने हुए आएंगे और बाकी बड़ौदा में तैयार होंगे। ठीक है मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 50 से अधिक ड्रोन है वो लाइव यहाँ पर करतब करके दिखाएंगे।